हेलो एंड वेलकम टू जय स्टडी। जय स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ऑल इन वन मैथमेटिक्स के सेशन में आज मैं पार्ट फाइव के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं और मैं बताऊंगा हाउ टू सॉल्व स्क्वायर रूट 121 में फर्स्ट वाला ले लीजिएगा। यूनिट में कितना मिल रहा है? एक। अब देखिए एक किसके वर्ग में आता है? इकाई का अंक। एक आता है एक के वर्ग में इकाई का अंक, एक आता है नौ के वर्ग में इकाई का अंक, एक आता है। अब आप इन दोनों को छोड़ दीजिए, बचा कितना? एक। एक देखिए किसका स्क्वायर करने पर एक मिल जाता है या एक से कम मिलता है, तो स्क्वायर एक का करने पर एक मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, एक को इससे नेक्स्ट वाले नंबर से गुणा करनी है। जब एक को नेक्स्ट वाले से करेंगे तो कितना आएगा? दो। अब इस दो की कंपेयर करेंगे इस एक से, तो देखिए एक जो है वह छोटा है। एक क्या है? छोटा है। किससे? दो से। दो बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया। एक कैसा है? छोटा है ना, तो नंबर लेंगे छोटा वाला। क्लियर। प्रश्न संख्या दो। प्रश्न संख्या दो में 256। 256 में 6 किसके इकाई स्क्वायर करने पर इकाई का अंक मिलता है? 4 में मिलता है, 6 में मिलता है। अब इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, बचा कितना? दो। अब दो चेक करना है किसका स्क्वायर करने पर दो या दो से कम मिलता है, तो एक का स्क्वायर करने पर एक मिलता है। एक को अगले अंक से गुणा करनी है। एक को जब अगले अंक से गुणा की तो हुआ दो, और यहाँ भी कितना रहा है? दो। अब ये दोनों के बीच कंपेयर करें तो दोनों कैसा है? इक्वल है। दोनों कैसा है? इक्वल है ना। जब दोनों हमारा इक्वल बने, जब आपका दोनों इक्वल बने तो आपका क्या काम है कि नंबर लेना है आपको बड़ा वाला। जब कभी भी इक्वल बने तो आपको नंबर लेना है बड़ा वाला। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 256। एक और प्रश्न 529। 3 में आएगा, 7 में आएगा, इन दोनों को काट दीजिए। 5 किसका स्क्वायर करने पर 5 या 5 से कम मिलता है, तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिल जाता है। 2 को एक अगले अंक से गुणा करनी है। 2 को अगले अंक से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 6। और 6 और 5 को कंपेयर करो, 5 कैसा है? छोटा है ना। 6 से जब छोटा है तो छोटा वाला नंबर। आंसर हो गया 23। एक और प्रश्न आ गया 729। 729 3 में आएगा, 9 या फिर 7 में आएगा, 3 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 मिलता है, 7 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 मिलता है। अब आप लास्ट के 2 काट दीजिए, बचा कितना? 7। 7 किसका वर्ग करने पर मिल सकता है? भाई 3 का वर्ग करोगे तो 9 अधिक हो जाएगा, आपको कितना लेना है? 2। 2 को अगले नंबर से गुणा करो, कितना हुआ? 6। और यहाँ नंबर कितना है? 7। दोनों को कंपेयर करो, 7 कैसा है? बड़ा है ना। 7 कैसा है? बड़ा है। इस वाले नंबर के साथ बड़े वाले को रख दो, कितने का हो गया? 27 का। 27 का स्क्वायर करोगे तो 729 और 729 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 27 अर्थात 27। 841। एक किस में आता है? या तो एक के वर्ग में इकाई का अंक या फिर नौ के वर्ग में इकाई का अंक। लास्ट के 2 कैंसिल कर दो, 8 बचा ना। अब 8 को पकड़ो, 8 कितना आता है? 3 का करोगे 9 हो जाएगा, तो 2। अब 2 को गुणा करो अगले नंबर से, कितना हुआ? 6। 6 और 8 को कंपेयर करो, 8 बड़ा है ना, 8 बड़ा है, तो इसे बड़े वाले नंबर के साथ जोड़ दो। 841 किसका हो जाएगा? 29 का। ऑल इन वन मैथमेटिक्स का पार्ट 5 आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर रूट निकाला है, स्क्वायर रूट सिखाया। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्यूब रूट सिखाऊंगा, उसके लिए भी आप बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।